शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्र आज जिस विषय पर आपके साथ वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ वह विषय है शिक्षण अधिगम के विषय केंद्रित उपागम। और हमारे साथ इसके लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में मौजूद हैं शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर सोमू सिंह। डॉक्टर सिंह नमस्कार। डॉक्टर सिंह, यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि विषय केंद्रित उपागम क्या है, इस चीज़ को समझना हम चाहते हैं। इससे पूर्व मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूँ कि आप सबसे पहले मुझे यह बताएं कि विषय केंद्रित उपागम का तात्पर्य क्या है, इसका संप्रत्यय क्या है। विषय केंद्रित उपागम की हम जब बात करना चाहते हैं, ये शिक्षण के उपागम हैं जिनकी हमने बारे में चर्चा अपने पूर्व के सत्रों में आपने देखी होगी कि शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और यह तीसरा जो उपागम है विषय केंद्रित उपागम। शिक्षण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह विचारों के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शिक्षार्थियों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाते हैं, उनके व्यवहारों का परिमार्जन करते हैं, उनको सीखने में मदद करते हैं, उनके सीखने में वृद्धि करते हैं और उनको अनुभवी बनाते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया तो आप स्पष्ट रूप से समझते हैं, अधिगम से भी आप परिचित हैं। अधिगम भी विद्यार्थियों के व्यवहार में जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उस शिक्षण के द्वारा ही संभव है। विद्यार्थियों में आदतों का विकास, उनका ज्ञानवर्धन, अभिवृत्तियों का अर्जन, यह सब अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। एक तथ्य इसमें आया उपागम। उपागम से तात्पर्य अगर हम सोचें शिक्षण के संदर्भ में, तो इसमें इस बात का जिक्र होता है, इस बात की चर्चा होती है कि व्यक्ति सामान्यतया किस प्रकार सीखता है। सीखने के बारे में कुछ सैद्धांतिक परिकल्पनाएं इसमें प्रस्तुत की जाती हैं और उपागम का अनुप्रयुक्त रूप ही शिक्षण विधियां हैं हमारी, जिनको आप सभी जानते हैं, आप उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और इन शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाने के दौरान हम सभी बहुत सारी टीचिंग की टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, शिक्षण विधियों का भी इस्तेमाल करते हैं। आप जिस कक्षा का शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसकी विशेषताओं से भली भांति परिचित हैं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कक्षा के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहला शिक्षार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा विषय वस्तु। आपकी कक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कक्षा है। आप स्वयं या तो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं। और विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो जो विषय हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, जो हमारे विषय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, पर्यावरण आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु हमारे विषय ही हैं, तो ये तीनों महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन्हीं के आधार पर हम उपागमों की चर्चा करते हैं। अब आप शिक्षक हैं या इससे पहले आप विद्यार्थी जीवन से जुड़े रहे, आपसे कुछ प्रश्न हम आपसे साझा करना चाहते हैं। क्या आपके शिक्षक एक ही शिक्षण विधि से विभिन्न कक्षाओं एवं कालांशों में विषय वस्तु को पढ़ाते थे, या आप स्वयं एक शिक्षक के रूप में एक ही शिक्षण विधि से विभिन्न कक्षाओं एवं कालांशों में विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, जरा इस पर विचार कीजिए। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को अलग अलग कालांशों में विभिन्न संप्रत्ययों को समझाने हेतु केवल एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, या आप एक शिक्षक के रूप में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण विधि का चयन या शिक्षण विधियों का संयोजन किस प्रकार करते हैं? ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका अगर आप अनुशीलन करें, जिनके बारे में सोचें, तो शायद आपको ये संकेत मिले कि उपागम हमको इस बारे में दिशा प्रदान करते हैं। अब हम आपसे दो परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, दो शिक्षण परिस्थितियां आपके सामने रखेंगे। आप इस पर गौर करिएगा कि इस शिक्षण अधिगम परिस्थिति में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं और केंद्र बिंदु में कौन सी क्रिया है।
एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें श्री मनोहर कुमार शिक्षक हैं, वह कक्षा 5 के बालक और बालिकाओं को हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में हिंदी भाषा की पुस्तक और दूसरे हाथ में उन्होंने चौक ले रखी है। वह उस पुस्तक के किसी पाठ के एक पैराग्राफ को तेज आवाज़ में पढ़ा रहे हैं। तेज का आवाज़ मतलब सभी बच्चों तक आसानी से आवाज़ पहुंच सके, इतनी आवाज़ है। उन्होंने विद्यार्थियों को उसे ठीक उसी रूप में दोहराने हेतु कहा जो उनका गद्यांश था या जो उनका कविता पाठ है, और मनोहर ने कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट पर भी लिखा, उस पैराग्राफ की बहुत ही अच्छी व्याख्या की, और विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्होंने संबंधित पैराग्राफ को पुनः पढ़कर उत्तर खोजने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों को डायरेक्ट किया, निर्देशित किया कि उसी पैराग्राफ को आप देखिए, वहाँ आपको उत्तर प्राप्त होगा। कालांश के अंत में उन्होंने पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करने हेतु असाइनमेंट दिया, दत्त कार्य दिया। तो यह एक तरह की अपनी परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें संस्कृत के शिक्षक श्री रामेश्वर जी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा की पुस्तक की सहायता से श्लोक का आदर्श वाचन कर रहे हैं, और आदर्श वाचन के उपरांत विद्यार्थियों से उसी श्लोक के अनुकरण वाचन हेतु कह रहे हैं। तात्पर्य कि जैसा उन्होंने उस श्लोक का उच्चारण किया है ठीक वैसा ही अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा रख रहे हैं। उन्होंने अपने शिक्षार्थियों की उच्चारण की अशुद्धियों को भी सही किया और कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट पर लिखा और श्लोक की अर्थ सहित व्याख्या की। और कुछ विद्यार्थियों ने, जो हमारे विद्यार्थी उच्चारण में शुद्धियाँ अधिक कर रहे थे, उन्होंने पहले श्लोक के शुद्ध उच्चारण को पुनः उनसे सुनना चाहा, तो रामेश्वर ने उस विद्यार्थी को खड़ा होकर श्लोक का आदर्श वचन करने को कहा जो पूर्व में भी शुद्ध उच्चारण कर चुका था। नहीं किया तो उसकी शंका का समाधान हुआ। कालांश के अंत में उस पाठ्य पुस्तक के उस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में दिया गया। इन दोनों ही शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को अगर आप गौर से देखें, पहले में हिंदी शिक्षण हो रहा है, दूसरे में संस्कृत शिक्षण हो रहा है, दोनों में ही विद्यार्थियों को सिखाने का तरीका, विद्यार्थियों के सिखाने के दौरान केंद्र बिंदु में विषय है, वह पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का वह पैराग्राफ है। तो हमारा जो विषय केंद्रित उपागम है वह विद्यार्थियों को सिखाने का ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक मुख्य रूप से पुस्तकों की विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों संप्रत्ययों के माध्यम से शिक्षण को संपादित करता है। शिक्षण अधिगम का जो केंद्र बिंदु है पुस्तकें या विषय वस्तु होती है। शिक्षक की मुख्य चिंता निर्धारित कोर्स को पूरा करने की होती है। तो इस विषय केंद्रित उपागम का सीधा सा तात्पर्य है कि यह विषय पर केंद्रित उपागम, ऐसी जितने भी तरीके हैं पढ़ाने लिखाने के शिक्षण के जिनमें विषय केंद्र बिंदु में है, विषय केंद्रित उपागम के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यह बताया कि विषय केंद्रित उपागम क्या है, और आपने यह ठीक तरीके से हमें समझाया कि जब पढ़ने पढ़ाने के क्रम में पुस्तकें केंद्रीय भूमिका अदा करती हैं, पुस्तकों की विषय वस्तुएँ केंद्रीय भूमिका अदा करती हैं, तो उसी को हम विषय वस्तु उपागम कहते हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि विषय केंद्रित उपागम के क्या विशेषताएँ हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विषय केंद्रित उपागम की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए मैंने कहा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु है इस उपागम में वो विषय वस्तु है, विषय वस्तु की प्रस्तुति, शिक्षक का ध्यान, पाठ्यक्रम में क्या विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसको पूरा करने पर रहता है, किस कक्षा में कितने पाठ हैं, हमको परीक्षाओं से पूर्व इसको किस प्रकार पूरा करना है, अभी मैंने कितना पूरा कर लिया है, यही उसके ध्यान में रहता है।
और शिक्षण एवं अधिगम के लिए पुस्तकें एवं अन्य साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कि पुस्तक अगर नहीं है तो फिर उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हो जाती है, पुस्तकों का रहना वहाँ पर अनिवार्य है, पुस्तकें या अन्य साहित्य जो भी हमारे शिक्षण में अधिगम में सहायक हैं। विषय वस्तु को केंद्र में रखकर किसी भी शिक्षण विधि का चुनाव किया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विषय केंद्रित उपागम में शिक्षण विधियों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो इसमें बड़ा स्पष्ट है कि जैसे आपकी विषय वस्तु की मांग होगी, जैसा विषय वस्तु का स्वरूप होगा, उसके हिसाब से आप किसी भी शिक्षण विधि का चुनाव कर सकते हैं। विषय केंद्रित उपागम में शिक्षक स्वयं को एक ऐसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है जो विषय वस्तु के ज्ञान में दक्ष है। कहीं ना कहीं वह मानता है कि वह विषय को बहुत बेहतर तरीके से जानता है और अपने विद्यार्थियों को बता सकता है, विद्यार्थियों तक उसको पहुंचा सकता है। इस तरह के उपागम में, जिसको हम विषय केंद्रित उपागम के नाम से जानते हैं, इसकी जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उसका प्रयोग करने वाले शिक्षकों का ये मानना है कि विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधित पुस्तकों से संभव है। जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, अगर उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को संदर्भ लेकर के शिक्षण किया जाए तो जो कक्षा 8 की हम बात करें, 7 की बात करें, उस स्तर में जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, जो उनको आना चाहिए, वो निश्चित रूप से उससे पूरा हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है। और एक और जो विशेषता इसकी है कि इसमें वास्तविक जीवन के अनुभवों को बहुत कम स्थान प्राप्त होता है। पुस्तकों में जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो चीज़ें दी गई हैं, वही क्लासरूम में चर्चा होती है, फोकस वही रहता है, वही उदाहरण, वही अभ्यास प्रश्न केंद्र बिंदु में रहते हैं। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, हमने दोनों परिस्थितियों में चर्चा की कि प्रश्न पूछने के बाद भी शिक्षक ने कहा कि उसी पैराग्राफ को आप पुनः दोहराइए, कहीं ना कहीं विषय वस्तु केंद्रित ही है, इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो सेंटर में आपका विषय वस्तु, वह पैराग्राफ, वह श्लोक या वह पुस्तक ही केंद्र में है। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी को अधिक महत्व दिया जाता है, गुणवत्ता के स्थान पर मात्रा को अधिक महत्व दिया जाता है कि हमको कितने तथ्यों को, कितने पाठों को, कितने श्लोकों को, कितने दोहों को पढ़ना है अपने एक शिक्षण सत्र में, हम इसको पूरा करें, यही चिंता का विषय रहता है। विद्यार्थी की अगर भूमिका की हम बात करें तो विद्यार्थी इसमें एक निष्क्रिय है, सक्रियता के अवसर उसके पास बहुत कम हैं। शिक्षक ही इसमें ज्ञानवान, ज्ञान का हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें इसको, जो हमारे शिक्षार्थी केंद्रित उपागम हैं उनसे, तो विद्यार्थी तुलनात्मक रूप से इसमें कम सक्रिय है, इसमें भी एक तरह से वो निष्क्रिय ही रहता है। भाषा अधिगम में सहायक है, ऐसा माना जाता है कि हम भाषाओं के शिक्षण के दौरान अपने शिक्षार्थियों को शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहते हैं श्लोक में, संस्कृत के श्लोकों में, तो ऐसे में तो कंटेंट होना ज़रूरी है, विषय वस्तु होना ज़रूरी है, जिसका आदर्श वाचन शिक्षक स्वयं करेगा और अनुकरण वाचन के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों को भी वह सिखाएगा, तो ये उपागम उसमें सहायक हैं। अनुशासन व्यवस्था और नियंत्रण की अगर बात की जाए तो वो शिक्षक नियंत्रित होता है, क्योंकि शिक्षक के हाथ में ही कमान रहती है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम, विषय वस्तु में आए कठिन शब्दों को ब्लैकबोर्ड पर लिखने का क्रम, ये सब शिक्षक नियंत्रित ही एक तरह से अप्रोच इसमें अपनाई जाती है अनुशासन व्यवस्था के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विषय केंद्रित उपागम को बहुत ही रोचक तरीके से आपने समझाया और उसके बाद आपने बताया कि इसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको अन्य उपागमों से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग बनाती हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि विषय केंद्रित उपागम की विशेषताओं के बाद इसकी उपयोगिता क्या रह जाती है, इसकी क्या उपयोगिता है कक्षा कक्षा परिस्थितियों में हमारे भारतीय संदर्भों में, इस पर उम्मीद है कि आप प्रकाश डालेंगे।
विषय केंद्रित उपागम की जो उपयोगिता है, अभी चर्चा के दौरान हमने कहा कि इसमें शिक्षक एक अधिक अनुभवी व्यक्ति है और अपने शिक्षार्थियों को, जो कि कम अनुभवी हैं, पुस्तकों एवं विषय वस्तु के माध्यम से सूचना को, ज्ञान को या कौशल को पहुंचाने का कार्य करते हैं और इस तरीके को इसमें लाभदायक माना जाता है। तो ये एक इसकी उपयोगिता है। कम समय में आपको अगर अत्यधिक विषय वस्तु का शिक्षण करना है तो विषय केंद्रित उपागम के माध्यम से ऐसा करना आसानी से संभव है। ज़्यादातर हमारे शिक्षकों पर यह इस बात का दबाव या तनाव रहता है विभिन्न कारणों से कि उनको अपना सिलेबस, अपना कोर्स पूरा करना है, अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको समय से पूरा करना, एकेडमिक कैलेंडर की चर्चा होती है, टाइम बाउंड एकेडमिक कैलेंडर्स स्कूल्स में आते हैं शासन के स्तर पर, स्कूल प्रबंधन के द्वारा। तो महत्वपूर्ण है यह विधि, यह उपागम, जब आपके पास समय कम है। कोर्स इसमें निर्धारित समय में पूर्ण हो जाता है। हम एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पुस्तकों का जब सहारा लेते हैं तो भटकाव की संभावना कम रहती है और शिक्षार्थियों को, चूँकि हमारी प्रचलित परीक्षा प्रणाली का आप सभी उपयोग कर ही रहे हैं, आप जानते हैं जो प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं वह भी तो हमारे पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु पर आधारित होते हैं। तो विद्यार्थी भी चाहता है कि हमको जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है, प्रिस्क्राइब्ड हमारा जो कंटेंट है उस पर आधारित ही चर्चाएँ अगर हों तो हम परीक्षा में सफल हो सकें। तो कोर्स इसमें निर्धारित समय में पूर्ण हो जाता है, यह इसकी उपयोगिता है। उपयोगिता के बाद हम यह जानना चाहते हैं कि इस विषय केंद्रित उपागम की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, दूसरा देखा कि इसकी उपयोगिता क्या है, तीसरा देखा कि विषय केंद्रित जो उपागम है उसका संप्रत्यय क्या है। इन तीन बिंदुओं को तो हमने ठीक तरीके से देखा और समझा। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इसकी सीमाएँ क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। उपयोगिता की चर्चा में एक बात जो और ऐड करना चाहता हूँ, अभी मेरे संज्ञान में आई है कि भाषा शिक्षण में जब आपको, जो मैंने उसकी विशेषता में भी चर्चा की, शुद्ध उच्चारण जब सिखाना है हमको तो उसमें यह उपागम काफ़ी उपयोगी होता है। उसके केंद्र बिंदु में वह विषय होता है, वह विषय, वह शब्द, वह वाक्य जो हमें विद्यार्थियों को सिखाना है उस किस लय के साथ, उसमें कैसा उसमें तारतम्य बनाना है, ये इसलिए भी उपयोगी है। अब हम चर्चा करें कि इसकी सीमाएं क्या हैं विषय केंद्रित उपागम की। तो इसमें भी, इस उपागम में तथ्यों का आरोपण ही एक तरीके से परिलक्षित होता है। तो इस उपागम पर यह आरोप है कि यह सत्तावादी या तानाशाही प्रकृति का है, ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट कक्षाओं में होता है। पुस्तक है, शिक्षक है, विद्यार्थी उसी पर केंद्रित होकर के शिक्षण और अधिगम में संलग्न है। तो ये इसकी एक सीमा है कि इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है वो ऑटोक्रेटिक वे में संचालित होती है। दूसरी जो इसकी सीमा है जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब बार बार हमारा शिक्षक विद्यार्थियों के ध्यान को किताब की विषय वस्तु की ओर खींचता है, उसके उस पैराग्राफ पर लाता है, उसके बाद उस उदाहरण पर लाता है, उसके साथ साथ उन चित्रों पर खींचता है, उसमें सुझाई गई गतिविधियों की तरफ खींचता है, उसमें दिए गए अभ्यास प्रश्नों की तरफ खींचता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विद्यार्थी है वो किताबी ज्ञान में ही उलझ जाता है और उसको किताबी ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। तो जो हमारा जो मूल मकसद है कहीं ना कहीं उससे हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या जो 2005 में बनी, उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि हमको किताबी ज्ञान को स्थानीय परिवेश के से कनेक्ट करना है, स्कूली जीवन को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना है। और अगर एक शिक्षक केवल किताबी ज्ञान पर ही केंद्रित रह जाएगा तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का लक्ष्य है वो हम पूरा करने की दिशा में जो बढ़ रहे हैं उसमें बाधाएं आएंगी। और यही कारण है कि जो हमारा अधिगम है अधिकांश परिस्थितियों में स्मृति आधारित हो जाता है।
और इसकी सार्थकता पर भी सवाल खड़ा होता है कि विद्यार्थियों को जो प्रश्न दिए गए हैं वैसे ही प्रश्न आएंगे तो उनका उत्तर देने में वो सक्षम है, रटे रटाए उसके पास उत्तर हैं। लेकिन अगर आप उसको उसके संदर्भ से, स्थानीय परिवेश से जब आप प्रश्न बदल देते हैं तो जो उसका अनुप्रयोगात्मक पक्ष है वो कमज़ोर होता है। और इसी कारण ये माना जाता है कि इस तरह का अधिगम सार्थक नहीं है, जो किताब से सीखा तो लेकिन अनुप्रयोग नहीं कर पा रहा है अपने दैनिक जीवन की समस्याओं में, अपने परिवेश से जुड़ी समस्याओं के हल करने में, यह भी एक इसकी सीमा है। और यही कारण है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार का अभाव रहता है। अधिकांश शिक्षक सोचते हैं कि अब हम अलग से कौन सी क्रिया आयोजित करें, हम क्यों अलग से उदाहरण सोचने की जहमत उठाएं जब हमको सरकार की तरफ से यह पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, जब हमको हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह पुस्तक या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें और एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार उसको फॉलो करते हुए उसी के आधार पर शिक्षण करें। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नवाचार है जिसको एक शिक्षक चाहे तो ला सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, नवाचारों के माध्यम से शिक्षण कर सकता है जिससे अधिगम प्रभावशाली हो सकता है, उसका अभाव दिखता है। क्योंकि शिक्षक भी इस तरह के माहौल में ढल जाता है, अधिकांश लोगों को देख रहा है कि वो विषय केंद्रित उपागम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ऐसे विषयों के शिक्षण में भी कर रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं उनको नहीं भी करना चाहिए, विषय को ही केंद्र में रख करके जहाँ उनके पास स्कोप है गतिविधियों को शामिल करने का, नहीं करते हैं। तो ऐसा हमें थोड़ा सा सजग होकर के रोकना होगा एक शिक्षक होने के नाते। विद्यार्थी की जहाँ तक हमने बात की थी विशेषताओं के अंतर्गत, निष्क्रिय श्रोता के रूप में हमारा विद्यार्थी है वह निर्भर हो जाता है, उसके अंदर निर्भरता की प्रकृति विकसित हो जाती है। निर्भर या तो अपने शिक्षक पर या शिक्षक द्वारा बताई गई वह विषय वस्तु जो उसके पुस्तक में दी गई है उस पर निर्भर है। अब जब उससे कोई प्रश्न पूछेगा तो उसके दिमाग में, आपने भी अनुभव किया होगा, आप सभी प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कि वो ध्यान देगा कि हमारी पुस्तक के किस पेज पर उसका उत्तर दिया गया है, वहाँ पर या तो अंडरलाइन कर देगा या उसको ही नोट कर लेगा पेज नंबर। तो जो इस तरह की आदतें या इस तरह का व्यवहार आपको अपने शिक्षार्थियों में दिखता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमने ही उनको ऐसे विषयों में भी विषय केंद्रित उपागम का उपयोग करते हुए निर्भर बनाया है। वो स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने की कोशिश नहीं करते, अपने जो प्रश्न है उसकी कोशिश नहीं करते, प्रश्न भी निर्धारित है, उदाहरण भी निर्धारित है, सिद्धांतों की व्याख्याएं भी निर्धारित हैं, प्रिंटेड हैं, मुद्रित हैं। तो एक तरह से हमारा विद्यार्थी है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय श्रोता है, वो रिसीवर एंड पे है, उसे रिसीव करना है, सक्रिय कहीं ना कहीं सक्रियता उसकी बाधित है इस तरह के उपागम में। विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने के कौशल के विकास की संभावना कम है। हमने कहा कि शिक्षक जब देख रहा है शिक्षक को कि वो उनको निर्देशित कर रहा है कि आपकी पाठ्यपुस्तक के इस पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं को आप गृह कार्य के रूप में करके लाएंगे, तो उनको हल करने का उसको आदत है। तो प्रश्न पूछना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अधिगम योग्यता है, लर्निंग कॉम्पिटेंसी है, और ये डेवलप की जानी चाहिए। मूल्यांकन की अगर हम बात करें, मूल्यांकन इस तरह के उपागम में भी योगात्मक है, यहाँ पर फॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है। विद्यार्थियों को जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, निर्धारित प्रश्न हैं, उनके उत्तर सही हैं, उस हिसाब से उनको अगली कक्षाओं में भेजना है या इसी कक्षा में रोकना है, न्यूनतम स्तर उसमें निर्धारित है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विकल्प भी अगर हम तुलना करें शिक्षार्थी अधिगम केंद्रित जो उपागम है उसकी तुलना में कम इसमें गुंजाइश है व्यापक मूल्यांकन की, क्योंकि गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा कराने की कोशिश में शिक्षक नहीं रहते हैं, और गतिविधियाँ नहीं होंगी तो फिर जो हमारा को स्कॉलिस्टिक एरिया है, पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, वो ना होने से उसका आकलन भी नहीं हो पाता है।
केवल कुछ ज्ञानेंद्रियाँ ही सक्रिय होती हैं। पुस्तकों में जब शिक्षक शिक्षण कर रहा है तो ज्ञानेंद्रियों की अगर हम बात करें तो अगर सुन रहा है, पाठ्य पुस्तक की चित्रों को देख रहा है, और बहुत सी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं जिनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना जरूरी है। इस उपागम में उनके लिए यह स्कोप भी कम है। शिक्षक पर अत्यधिक निर्भरता है। शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का कौशल, उसका दृष्टिकोण, वह मूल्यनिष्ठ है या नहीं, या मूल्यों की समझ उसकी क्या है। अगर शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षण कौशल में दक्ष है और विषय वस्तु उपागम का उपयोग करने में सक्षम है, केवल तभी इस तरह के उपागम को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कर पाता है। शिक्षक को यह समझ ही नहीं है कि हमें उस विषय वस्तु को कब, किस अवस्था में, किस क्रम में प्रस्तुत करना है, विद्यार्थियों को किस तरीके से, कौन से उदाहरण हमें समझाना है पुस्तक की सहायता से, तो कहीं ना कहीं शिक्षक पर निर्भरता है। इस विषय केंद्रित उपागम में विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान रख पाना मुश्किल है। हम यह नहीं ध्यान रख पाते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कितना तेज़ी से सीख रहा है, कौन सा तेज़ी से नहीं सीख रहा है। हमारा विषय पर केंद्रित उपागम विषय के इर्द गिर्द ही विद्यार्थियों को बांध कर रखता है। इस वजह से विद्यार्थियों में रुचि, सृजनात्मकता, चिंतन कौशल एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास भी बहुत कम अवसर होते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। हमने पहले भी चर्चा की कि नवाचार के अवसर कम हैं जब नवाचार नहीं है, और दूसरी बात स्थानीय परिवेश के उदाहरण और उनके अनुभवों को जब हम शामिल नहीं कर रहे हैं तो विद्यार्थियों की रुचि भी कम हो जाती है। अब पुस्तकों में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो उनको स्थानीय परिवेश से संबंधित नहीं हैं, तो उसकी रुचि को पुस्तकों की ओर खींचना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, या उनके ध्यान को केंद्रित करना भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। और जब हम प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस ही देंगे तो क्रिएटिविटी का स्कोप कहाँ रह गया। तो यहाँ यही बात भी सोचने योग्य है कि इसमें हमारे पास इन सब जरूरी मानसिक योग्यताओं के विकास के अवसर भी सीमित हैं। तो आप अगर गौर करेंगे इस बात पर तो आप समझ पाएंगे कि विषय केंद्रित उपागम को जब हमें इस्तेमाल करना है तो हम किन किन चीज़ों की सावधानी बरतेंगे और किन विषयों के शिक्षण के दौरान इस उपागम का उपयोग करना है। इसकी अपनी सीमाएं हैं जिनकी चर्चा मैंने की। आप सभी जो हमारे प्रारंभिक शिक्षक हैं, शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, इसको स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे कि कौन से विषयों में इस उपागम की आवश्यकता है, या शिक्षण के दौरान किस स्टेज पर आपका एक घंटे का पीरियड है, आपको विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो इन बातों को आप स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। मेरा निवेदन है कि विषय केंद्रित उपागम की जहां उपयोगिता है उस उपयोगिता को ध्यान में रखकर सीमाओं को कुछ हद तक कम करते हुए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से हमने इस वार्ता में यह समझा कि विषय केंद्रित उपागम क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं। हम अध्यापकों को यह बात ठीक तरीके से समझनी चाहिए कि तीन तरीके के मुख्य उपागम हैं। डॉक्टर सिंह ने अपने पिछले वक्तव्यों में भी बताया था कि विषय केंद्रित उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम और छात्र केंद्रित अर्थात विद्यार्थी केंद्रित उपागम। इन तीनों उपागमों की अपनी उपादेयता है, अपनी आवश्यकता है, और भिन्न भिन्न संदर्भों में, भिन्न भिन्न विषयों के अध्यापन में भिन्न भिन्न उपागमों का प्रयोग किया जाता है। आपके इस ज्ञानपूर्ण लेक्चर के लिए, ज्ञानपूर्ण संवाद के लिए डॉक्टर सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वार्ता में हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद और नमस्कार।